हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन अवर चैनल सुधाकर सर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, सब कुछ बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट या सेकेंड अगस्त से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल 9th क्लास के बच्चों को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। SST मैं पढ़ाऊंगा और भी अदर सब्जेक्ट्स के बहुत ही अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप लोग जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को ये बताइए कि सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको 9th के फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पार्शियलिटी होगी, जितना बेस्ट हमारा होगा उतना बेस्ट पूरा आपको देंगे। ठीक, चलिए ये एक अनाउंसमेंट थी, प्लीज आप लोग इस अनाउंसमेंट को कंसिडर करिएगा। अब हम स्टार्ट करने चल रहे अपना वीडियो, और आज इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप सबको पता है कि सोशल साइंस में आपके बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, तो एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल है नहीं। मैं पढ़ा दूँ मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं। ठीक, तो हर पार्ट्स को, हर चैप्टर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, चलिए पहला चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मैं वही स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी, तो आप लोग प्लीज पर्टिकुलर वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, इंडिया साइज एंड लोकेशन आपके 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इंडिया के बहुत सारे फैक्ट को कवर करते हैं। ठीक है, इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका लोकेशन क्या है, क्या साइज है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम कवर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब यहाँ देख, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, इंडिया का साइज और उसका क्या लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे साइज को, इंडिया के साइज को कवर करेंगे, और इंडिया के साइज को कवर करने के बाद ही हम उसके लोकेशन पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइज देखते हैं। ओके, अब देखिए दो तरीके से हम देखेंगे इंडिया की साइज, एज पर एरिया, एज पर ऑन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग क्या साइज है, एंड एज पर ऑन पॉपुलेशन, एज पर ऑन पॉपुलेशन। अब आप लोग देखिए एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया के साइज देखिएगा, तो इंडिया वर्ल्ड में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या कि वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एज पर ऑन पॉपुलेशन एंड एज पर ऑन, सॉरी, एज पर ऑन एरिया एंड एज पर ऑन पॉपुलेशन इंडिया आपकी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारी कंट्री इंडिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, और एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक, इसके बाद ये याद रखिएगा कि एरिया में इंडिया से कौन कौन सी कंट्रियां बड़ी हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी कंट्री आपकी कौन सी है। ठीक है, सिक्वेंस मिस हो सकता है, लेकिन 6 आपकी कंट्री है, रशिया सबसे बड़ा, आफ्टर देन USA, सॉरी आफ्टर देन कनाडा, आफ्टर कनाडा ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, ब्राजील एंड USA। ये सीक्वेंस में भले ही नहीं है, लेकिन यही 6 ऐसी कंट्रियां हैं जो हमारी कंट्री से एरिया वाइज बड़ी। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं होगा, हो सकता है एक आध दो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये 6 कंट्रियां ऐसी हैं जो हमारे कंट्री से क्या है, हमारे कंट्री से बड़ी एरिया। ठीक, तो इसके बाद पॉपुलेशन में सबको पता है, पॉपुलेशन में केवल एक ही कंट्री हमसे बड़ी है, वो कौन सी है, चाइना। केवल चाइना एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया से पॉपुलेशन वाइज क्या है, बड़ी है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये साइज क्लियर हो गया हो। अब इसमें और भी चीज़ें हम कवर करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन को देखेंगे। ठीक, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि इंडिया का साइज एरिया के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। एरिया के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री। वो कौन सी कंट्री हैं जो इंडिया से बड़ी हैं, तो ये याद रखिएगा, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील एंड USA, ये एरिया वाइज इंडिया से बड़ी, और पॉपुलेशन वाइज केवल एक ही कंट्री बड़ी है, वो क्या है आपकी, चाइना। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब चलते हैं कुछ और भी फैक्चुअल चीज़ों के बारे में, नॉलेज गेन करते हैं। ठीक,
अब यहाँ आप लोग फोकस करिएगा, इंडिया का एरिया कितना है, सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान दें। तो इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर लाख लाख स्क्वायर किलोमीटर को देख सकते। आप क्या बोल सकते हो, 3.28 लाख स्क्वायर मीटर, ये हमारे इंडिया का क्या है पॉपुलेशन, सॉरी इंडिया की एरिया, ठीक है, इंडिया का एरिया क्या है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट सेंसस तो हुई नहीं है, उसका कोई डाटा है नहीं, तो हम लोग पुराने डाटा को ही कंसिडर करेंगे 2011 वाले को। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी, ठीक है, 125 करोड़, कितनी थी, 125 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की एज पर दी सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी थी, 125 करोड़, और इंडिया का एरिया कितना है, एरिया आपका क्या एरिया है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों भी फैक्चुअल चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, अब आगे और भी आपको बताने चल रहे हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एरिया, पूरे वर्ल्ड के एरिया का इंडिया केवल कितना है, पूरे वर्ल्ड के एरिया का इंडिया केवल 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का जो लैंड आप कह सकते हो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये लैंड, ठीक, पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया का इंडिया केवल कितना है 2.4% है। और इस 2.4% में वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन रहती है, समझ में आया, मतलब पूरे वर्ल्ड की 2.4 एरिया के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे आप इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे इंडिया केवल 2.4% ही है एज पर ऑन एरिया, और पॉपुलेशन इस 2.4% में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 16% है, आपकी 16% पॉपुलेशन इंडिया में इनहैबिटेट करती है इवन वर्ल्ड के 2.4% पॉपुलेशन एरिया में। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हो, मैं एक बार इतना फिर आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, साइज अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया, साइज अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया क्या, एरिया के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हम इंडिया की साइज हमने देखी, एरिया अकॉर्डिंग इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया 2nd लार्जेस्ट है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया का एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है इंडिया का, इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन आपकी कितनी है 125 करोड़ एज पर दी सेंसस ऑफ 2011। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने ये बताया कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के बिहाफ पे 2.4% है, और उसमें वर्ल्ड के 16% पॉपुलेशन इनहैबिटेट करती है। तो ये साइज के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, इन फैक्चुअल चीज़ों को आप नोट करके अपनी नोट भी बना सकते हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी और भी चीज़ें देखेंगे, अब इसके बाद ये देखिए इंडिया में प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, और कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, इंडिया में प्रेजेंट टाइम में आपकी यूटीज जो है वो आपकी 8 यूटीज हैं और 28 स्टेट्स इस समय प्रेजेंट में इंडिया में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय इंडिया में आपके प्रेजेंट में है। थोड़ा स्टेट्स के बारे में भी हम नॉलेज देंगे कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन से स्टेट बड़े हैं, और एरिया वाइज और स्टेट वाइज कौन से आपके स्टेट्स छोटे हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट एज पर पॉपुलेशन एंड एरिया एंड लार्जेस्ट स्टेट एज पर पॉपुलेशन एंड एरिया, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कोस्टल स्टेट, लैंड लॉक स्टेट, बॉर्डर स्टेट्स, काफ़ी कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो चाइना से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ओके। लेकिन पहले आपको इंडिया के बारे में बता दें, तो ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज, ठीक। अब देखते हैं लार्जेस्ट स्टेट देखिएगा, लार्जेस्ट स्टेट एज पर ऑन एरिया एंड एज पर ऑन पॉपुलेशन, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सा, राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट आपका उत्तर प्रदेश। ये आप लोग याद रखिएगा, हमारे इंडिया में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका कौन सा है, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका राजस्थान है,
और आप बात करेंगे अगर पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका जो है वो आपका उत्तर प्रदेश। तो ये भी फैक्चुअल चीज़ आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो फिर लार्जेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका कौन सा है? सबसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं देखते हैं स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट आपका एरिया के अकॉर्डिंग में गोवा, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट आपका क्या है, ये भी आप लोग अपने दिमाग बैठा लीजिएगा कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट किसके अकॉर्डिंग? सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग गोवा, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिक्किम। इसे क्लियर तो एवरीवन? तो यहाँ तक के जो भी मैंने आपको फैक्चुअल डिटेल दी है इंडिया के बारे में, प्लीज़ आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटीज के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग स्टेट्स के बारे में ही कवर करें। अभी कोस्टल स्टेट्स कितने हैं इंडिया में, लैंड लॉक स्टेट कितने हैं, इसके बाद आपके बॉर्डर स्टेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग कवर अप कर लेंगे, तब फिर मैं यूपी पे आऊँगा, यूपी पे यानी कि यूनियन टेरेटरीज पे। और यूनियन टेरेटरीज कवर अप करने के बाद तब हम क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे लोकेशन। ठीक, तब मैं आपको लोकेशन बताऊँगा। जैसा मैंने आपको भी बताया इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इंडिया में आपके 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं स्टेट्स को तीन पार्ट में। स्टेट्स को यहाँ पे मैं कैटेगराइज करने जा रहा हूँ, इंडिया का जो मतलब इंडिया जिस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेट्स को तीन वे में कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक आपका कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं ये भी बता रहा हूँ, आपका कोस्टल स्टेट्स, सेकंड आपका लैंड लॉक स्टेट्स, सेकंड आपका लैंड लॉक स्टेट्स, थर्ड आपका, थर्ड आपका हो जाएगा बॉर्डर स्टेट। इनको आप लोग ध्यान समझिएगा। स्टेट्स में यहाँ पे मैंने तीन बेसिक्स पे कैटेगराइज कर दिया है, कोस्टल स्टेट्स, लैंड लॉक स्टेट्स और आपके बॉर्डर स्टेट्स। सबसे पहले आप लोग देखिए कोस्टल स्टेट्स का, बहुत ध्यान समझिए कोस्टल स्टेट्स का। कोस्टल स्टेट्स का मतलब होता है कि ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स जो अपने बॉर्डर को, अपने बाउंड्री को आप कह सकते हो कि सी बॉडी से शेयर करते हैं, समझ में? जो समुद्र होते हैं, समुद्र आप कह सकते हो, जो आपके सी बॉडीज होते हैं समुद्र वगैरह, ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो अपनी सीमा को समुद्र से साझा करते हैं, वही आपके कोस्टल स्टेट होते हैं। ये आप लोग कहें कि ऑल दो स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री विच शेयर दियर बॉर्डर विद सी बॉडीज कंसिडर्ड एज कोस्टल स्टेट। ओके, आई होप आप लोगों को कोस्टल स्टेट समझ में आ गया हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑल दो स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री विच शेयर दियर बॉर्डर विद सी बॉडी कंसिडर्ड एज कोस्टल स्टेट। हमारे कंट्री में कोस्टल स्टेट्स कितने हैं ये भी पहले देख लेते हैं, इन दोनों हटाई दें, कोस्टल स्टेट देखते हैं। तो हमारे कंट्री में कोस्टल स्टेट्स आपके टोटल कितने हैं? 9। टोटल कितने हमारे कंट्री में कोस्टल स्टेट्स हैं? 9। कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। मेरे की ये पेनिनसुला इंडिया का मैंने यहाँ पे मैप बना दिया, ये पेनिनसुला इंडिया का यहाँ पे मैप बन गया, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये जितने भी ये देखेंगे, ये जितने भी स्टेट्स आपके हैं सारे के सारे आपके कोस्टल, ये टोटल आपके हैं कितने? ये टोटल आपके 9, यही कोस्टल स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने बॉर्डर को सी बॉडी से क्या करते हैं, सी बॉडी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक, तो टोटल कितने कोस्टल स्टेट मैंने आपको बताया? टोटल मैंने आपको बताया कोस्टल स्टेट्स 9। और इंडिया का जो ये कोस्टल लाइन है या कि जो कोस्ट लाइन है ये कितनी है? इंडिया की ये कोस्ट लाइन आपको मैं बता दूँ, ये आपका है 7516.6 किलोमीटर। तो ये भी आप लोग अपने दिमाग में फैक्चुअल डाटा रखना, इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है, इंडिया का जो टोटल आपकी कोस्ट लाइन है वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर सर। ठीक, ये आप लोग याद रखना, इंडिया का जो ये टोटल कोस्ट लाइन है वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कोस्टल स्टेट क्या होता है। कोस्टल स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे स्टेट्स जो अपने बॉर्डर को किससे शेयर करते हैं? सी बॉर्डर से। ठीक, कितने कोस्टल स्टेट इंडिया में? इंडिया में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स। ठीक, सबसे लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है, जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इसके बेसिस पे। ठीक है ना, ये भी वहाँ पे आप पॉपुलेशन और एरिया मत देखना, यहाँ पे कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है और कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है ये हमें देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं।
कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका गुजरात है यार, सबसे ज्यादा समुद्र से अपनी सीमा साझा करता है, मतलब गुजरात सी बॉडी से सबसे ज्यादा अपने बॉर्डर को शेयर करता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट से आपके वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसके कोस्टल लाइन मतलब कोस्ट लाइन सबसे स्मॉलेस्ट है, और गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। ठीक, ये कोस्ट लाइन के बेसिस पे, कोस्ट लाइन के बेसिस पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, गुजरात आपका लार्जेस्ट है कोस्ट लाइन के बेसिस पे और वेस्ट बंगाल आपका स्मॉलेस्ट है कोस्ट लाइन के बेसिस पे। ठीक, तो आई होप ये कोस्टल स्टेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया हो। मैं एक चीज आपको फिर एक बार बना के और भी दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका आएगा गुजरात, गुजरात के बाद नीचे कौन सा आ जाएगा जल्दी बताइए, गुजरात के बाद नीचे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ नीचे कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका कोंकण। और कोस्टल एक चीज और बता दें, जो इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन, इस पूरे कोस्ट लाइन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में, चार, वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले आप इस पे फोकस करिए, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है आप इस पे एकदम पूरी तरीके से फोकस करिए, जितना जो बताया जा रहा है उसको प्रॉपर नोट करो, बार बार रिपीट मोड में डाल के आप वीडियो को देखो, ताकि वो चीजें आपकी क्लियर हो सके। देखना, गुजरात कर्नाटक गोवा, सॉरी गुजरात महाराष्ट्र गोवा आफ्टर देन कर्नाटका, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आंध्रा, ठीक। अब ये दो स्टेट्स आप बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे केरल कहाँ पे, यहाँ पे केरल है कि यहाँ पे, जल्दी बताइए केरल इधर होगा किधर होगा, कि तमिलनाडु, ठीक फोकस करिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, एक सेकेंड यहाँ पे ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन में छोड़ दिया है, ये दो जगह पे कौन से स्टेट्स हैं आपको बता रहे हैं। ठीक, ये जो आपका वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट का ये बॉटम साइड है, वेस्टर्न कोस्ट के बॉटम साइड में कौन सा स्टेट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ईस्टर्न कोस्ट के बॉटम साइड में कौन सा स्टेट है ये आपको बताइए, आपको क्लू भी दे दे रहा हूँ, तमिलनाडु आपका कौन होगा, केरल। ठीक, तो ये आपके पूरे के पूरे 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए, और मैंने बताया आपसे कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं, कोस्टल स्टेट्स आपके ऐसे स्टेट्स होते हैं जो सी बॉर्डर से, सी मतलब कह सकते हो सी वाटर से अपने बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे कंट्री के ऐसे स्टेट्स जो सी वाटर से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं। इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन कितनी है बताया मैंने आपको, ये 7,516.6 किलोमीटर, और कोस्टल के बेसिस पे, कोस्टल स्टेट्स के बेसिस पे लार्जेस्ट आपका क्या है, गुजरात है, और स्मॉलेस्ट आपका क्या है, आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक, एक और बात याद रखिएगा, ये 9 कोस्टल स्टेट मैंने पूरे आपको बता दिए, दो आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट के बॉटम में कौन सा स्टेट है और ईस्टर्न कोस्ट के बॉटम में कौन सा स्टेट है, ये आपको बताना। ठीक, और ये ऐसे स्टेट्स हैं, ये पांच ऐसे स्टेट्स हैं, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका, और जो यहाँ पे एक आप लोग फिल करने वाले हैं, ये पांचों स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने अरेबियन सी से, तो अरेबियन सी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आपके ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट पे चार ऐसे स्टेट्स हैं जो इससे बे ऑफ बंगाल से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंडिया के ईस्ट कोस्ट में चार स्टेट्स हैं जो अपने बॉर्डर को बे ऑफ बंगाल से शेयर करते हैं, और इंडिया के वेस्ट में पांच स्टेट्स हैं जो अपने अरेबियन सी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, इसके आगे जो भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि सारे के सारे चैप्टर्स को 2 से 3 पार्ट्स में कवर किया जाए, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं प्लीज़ उसको कवर अप करिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मैंशन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए और भी एफर्ट्स कर सकें।